Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. मेरा नाम किरण मांगलिक है. मैं अटल आदर्श विद्यालय लोधी एस्टेट की प्रधानाचार्य हूँ और आज आपको अपने स्कूल में चल रहे कई स्वच्छता अभियान, जल शक्ति अभियान या फिट इंडिया मूवमेंट के विषय में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ. हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान लगभग 3 साल से चल रहा है और इस स्वच्छता अभियान में बच्चों को जो विशेष जानकारियाँ दी जा रही हैं और उनकी जो आदत डाली जा रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है विद्यालय के लिए. उसमें हम असेंबली में बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताते हैं, स्वच्छ तन और उससे ही होगा स्वच्छ मन, और जब होगा स्वच्छ मन तो उससे करेंगे आप उत्तम कार्य और आपकी पढ़ाई चलेगी सुचारू रूप से. तो आपको ये कड़ी जोड़ते हुए स्वच्छ तन से शुरू करना है, सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, अपने विचारों को शुद्धि देनी है और अपने कार्य को उत्तम बनाना है और उससे आपको प्रगति करनी है. तो बच्चे जो हैं इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं. साफ रहना उन सभी को अच्छा लगता है. जो बच्चे पहले सुबह नहा कर नहीं आते थे या अपने घर साफ नहीं रखते थे, नाखून साफ नहीं रखते थे, आज वे बच्चे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. अपने यूनिफॉर्म को रोज धोकर ढंग से प्रेस करके अच्छे से बनकर आते हैं और उनमें ये प्रतिभागी बनने की दौड़ रहती है कि हम अच्छे से अच्छा दिखें, हम साफ रहें. विद्यालय की स्वच्छता में भी सभी बच्चे अपनी कक्षाओं को साफ रखते हैं. अपने कक्षाओं का जो थोड़ा बहुत भी कूड़ा निकलता है, क्योंकि उनसे कहा गया है कि आपको कूड़ा कम जनरेट करना है, कूड़ा उठाना ही नहीं है लेकिन जनरेट भी कम करना है, उत्पादन ही उसका पैदा ही उसको कम करना है कूड़े को, तो वो कूड़ा बहुत कम डालते हैं और जितना भी डालते हैं अपने विद्यालय की कक्षा में रखी हुई बाल्टी में डालते हैं और बाल्टी के बाहर भी बिल्कुल सफाई रखते हैं. वो कूड़ा प्रतिदिन हमारे सफाई कर्मचारी उठाते हैं और विद्यालय की स्वच्छता में हमारे साथ सहयोग करते हैं. ये बच्चे जो हैं अपने घर पर भी इस आदत को, क्योंकि उन्हें आदत डल गई है और इस आदत को वो अपने घर तक ले जाते हैं और अपने घरों को भी स्वच्छ रखने में, अपने बैग्स को वॉश करने में, अपने जूते साफ़ रखने में, अपने घर का मम्मी का काम साथ साथ कराने में बहुत सहयोग करते हैं और कहते हैं कि मैम हम घर की सफाई का जिम्मा खुद हमने खुद उठा लिया है, क्योंकि हमारी माँ भी काम करते करते थक जाती हैं. तो हमने उनसे कहा है अब अपनी अलमारियाँ साफ़ रखेंगे, अपनी ड्रॉअर साफ़ रखेंगे, अपनी बुक्स को साफ तरीके से रखेंगे, क्योंकि बीमारियाँ जितनी भी होती हैं वो सब गंदगी से फैलती हैं और बीमारियाँ हम देख रहे हैं अपने आसपास, बीमारियों का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, बच्चा लड़का हो या लड़की हो, लेकिन सभी बच्चे अच्छे से साफ रहेंगे, पर्सनल हाइजीन इज़ द फर्स्ट, सेकेंड इज़ सराउंडिंग्स एंड द थर्ड इज़ देयर होम एंड देयर स्टेट कैपिटल एंड फोर्थ इज़ देयर नेशन. तो इसलिए वो अपने घर से शुरुआत करते हैं इस चीज़ की और बच्चे दूसरों को भी बताते हैं. हमारे इस विद्यालय ने इस संबंध में कई रैलियाँ ऑर्गेनाइज की हैं और जैसे हमारा सराउंडिंग एरिया है खान मार्केट का, भारती नगर का या आसपास के हमारे विद्यालय हैं, उनमें जाके बच्चों ने दूसरे लोगों को भी जागरूक किया है कि हमको साफ रहना है. साफ रहने का मतलब है कि कूड़ा तो बिल्कुल नहीं फैलाना है, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है. वन टाइम प्लास्टिक कंट्री में बंद हो गया है, बच्चे उसका पालन कर रहे हैं और अच्छे नागरिक बनने में सहयोग कर रहे हैं. तो वो सब इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बैग में घर से कोई भी प्लास्टिक का सामान विद्यालय के अंदर ना आ पाए, क्योंकि हम अपने विद्यालय को नो प्लास्टिक जोन घोषित करना चाहते हैं. बच्चों ने जल संरक्षण की रैली में भी सहयोग किया था. हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से लेडीज़ आई थी, ऑफिसर्स आई थी, तो उन्होंने जब बच्चों को जल शक्ति के बारे में बताया था तो हमारे यहाँ जो पहले से प्रयास हो रहे हैं
कि बच्चे कभी भी नल खुला ना छोड़ें, कभी भी पानी का दुरुपयोग ना करें, कभी भी उसको छोड़कर कभी वो ऐसा ना करें कि पानी बह रहा है और वेस्ट कर दिया उन्होंने पानी। कभी भी उनको पानी वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि हमारी आदत होती है कि हम नल खुला छोड़कर बात करने लगते हैं पानी पीते पीते, तो सभी बच्चों को ये समझाया गया है कि विद्यालय वाटर ऑडिट सिस्टम शुरू करेगा। वाटर ऑडिट सिस्टम का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि बच्चे दिन भर में टंकियों में से कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना पानी वो बचा रहे हैं। इन सब बातों के ऊपर बच्चों का ध्यान जागरूक है, टीचर्स इसमें भरपूर सहयोग करते हैं और हमारे विद्यालय में किसी भी चीज़ की वेस्टेज जो है उसका दुरुपयोग वो कभी होने नहीं पाएगा। कभी हम हर चीज़ को उसको प्रिवेंट करते हैं। तो ये सब बातें हमारे विद्यालय के बारे में बच्चे औरों को जागरूक करें, अपने आप जागरूक रहें। और जो चार पंक्तियाँ हम विद्यालय के अंदर इसको फॉलो करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। स्वच्छता है मिशन हमारा, ध्यान केंद्रित किया है सारा, स्वच्छ तन प्रफुल्लित मन, स्वच्छ तन प्रफुल्लित मन सुधर जाए इससे पर्यावरण, थोड़ा थोड़ा करो सभी प्रयास और पूरी कर लो मन की आस। धन्यवाद।